हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टाइगर लॉजिस्टिक्स कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस कंपनी की शेयर प्राइस 714 रुपये है और आज के दिन ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन के अंदर इस स्टॉक ने 18% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, काफ़ी शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली। पिछले 1 महीनों में ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 32% के रिटर्न, काफ़ी शानदार एक तेज़ी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट 97% के रिटर्न दिए। मात्र 6 महीनों में इस कंपनी ने पैसा डबल किया है। पिछले 1 साल के अंदर बात करें तो 53% के रिटर्न, 5 सालों में ऑलमोस्ट 395% के रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 2486% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। काफ़ी टाइम से गिरावट होने के बाद अभी यह स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को ख़रीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि यहाँ बात करें कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर में काम कर रही है, नाम से ही हमें पता लग रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 756 करोड़ का है, डिविडेंड यील्ड 0 है, कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 61% है और डेब्ट की बात करें तो मात्र 1 करोड़ का ही डेब्ट देखने को मिल रहा है। ROC 37% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट काफ़ी गिरते हुए देखने को मिला था, बट अभी यहाँ पे जो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो प्रॉफिट है उसमें तेजी देखने को मिली, 2.10 करोड़ से 3.22 करोड़। देन यहाँ पे बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट पे आप देखते हो तो कंटिन्यूस काफ़ी लॉस हमें देखने को मिल रहा था, बट अभी कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 34 करोड़, 23 करोड़ एंड नाउ 16 करोड़। हालांकि प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है बट ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, 42 करोड़, 31 करोड़, 64 करोड़, 87 करोड़ एंड 93 करोड़, यानी कंपनी के जो रिजर्व्स है वो कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है, यानी कंपनी पे मात्र 1 करोड़ का ही डेब्ट देखने को मिल रहा है। या आप देखें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 61.81 करोड़% होल्डिंग है और साथ ही यहाँ बात करें FIS होल्डिंग 1% देखने को मिल रही है और पब्लिक होल्डिंग भी 37% है, यानी ऑल ओवर इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ बात करें BSE पर, जैसा कि आप देख सकते हो BSE पर इस कंपनी ने कब डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट किया है, तो जैसा कि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। तो कंपनी ने यहाँ ऑलमोस्ट 2021 में डिविडेंड दिया था और 2015 में 3:2 का यहाँ पे बोनस भी दिया है, यानी कंपनी एक बार बोनस दे चुकी है। तो अब इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि अब यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक काफ़ी हाइपर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। अगर आप इस प्राइस पे इस स्टॉक को ख़रीदते हो तो आपके लिए थोड़ा रिस्की ये हो सकता है, क्योंकि जब भी ऑल टाइम हाई पर स्टॉक होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये स्टॉक और भी तेज़ी के साथ भाग सकता है। नए इन्वेस्टर्स के लिए यही कहूँगा, थोड़ा पेशेंस रखिए स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो, और लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी टाइम से गिरावट होने के बाद अब ये स्टॉक मात्र कुछ ही टाइम में, जैसा कि आप देखो 2020 में 34 रुपये का शेयर था और यहाँ 3 सालों में इसने 700 रुपये का भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप डेब्ट फ्री कंपनी में पेशेंस रखते हो तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलता है, बस आपको पेशेंस रखना होता है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।